हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम टू मैथ सक्सेस। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि 0 to the power 0 आखिर होता क्या है। आपने कभी देखा है 0 to the power 0? क्या आप इसकी वैल्यू जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इधर आप ध्यान से देखिए, आज आप लोग का इसका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। बच्चों, आप लोग जानते हो अगर आपका बेस 0 है और अगर उसकी पावर कोई भी नेचुरल नंबर है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0। ये बेस हुआ, ये क्या हुआ? पावर। तो अगर आपका बेस 0 है और उसकी पावर में कोई भी नेचुरल नंबर है, आप कुछ भी ले सकते हो, 100, 200, 3000, 4000, कोई भी नेचुरल नंबर है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और आप ये भी जानते हो कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर है उसकी पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। आप यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, कितना भी बड़ा नंबर ले लो, अगर उसकी पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो, इसमें बेस में क्या है? 0। अगर बेस में 0 है तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पावर में क्या है? 0। अगर किसी नंबर के पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। अब यहां पर तो दिक्कत है भाई, यहां पर तो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, तो अब क्या करें? तो यहां पर दो डेफिनेशन क्या हो रही है? क्लैश हो रही है। अब मैथमेटिशियन ने देखा कि यहां पर तो मैथ्स की दो डेफिनेशन क्लैश हो रही है, तो क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने क्या किया, 0 to the power 0 को बोल दिया अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड, मतलब आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। 0 to the power 0 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है। तो अब आपसे कोई पूछे कि 0 to the power 0 क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? अनडिफाइंड। सो आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी? अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।